ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, वह स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है। और जो आज का उपाय है, वो आपको आपके अटके हुए काम या जो भी आप काम कर रहे हैं, वो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो वह काम आपका जो होगा अवश्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए और जो उपाय आज हम बताने जा रहे हैं, उस उपाय को आप अवश्य करके देखिए। महादेव जी की कृपा से आपका जो भी काम होगा वह पूरा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज का जो उपाय है बहुत ही सरल है, तो आप इसे अवश्य करिएगा। आपको करना क्या है कि एक तांबे के कलश में 11 बेलपत्र और 11 सफ़ेद फूल को डाल लेना है। एक कटोरी में लाल चंदन लेना है आपको। अब जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएं, तो सबसे पहले शिवलिंग के पूरे जलधारी पे लाल चंदन का लेप आपको लगा लेना है। फिर जो जल ले गए हैं, वह जल को आपको शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब आप जल समर्पित कर रहे हैं, तो उस समय कलश का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। इसके बाद अपने हाथ को जलधारी पे फेर के थोड़ा सा लाल चंदन उठा के घर ले आए। फिर किसी भी दीवार या दरवाजे या अलमारी या कोई भी स्थान अपने सुविधा के अनुसार देख के लाल चंदन वाले हाथ का छाप उस स्थान पे लगा दीजिए। अगले दिन आप जिस काम से बाहर जा रहे हैं, जो काम आपका अटका हुआ है, तो जब आप घर से निकले, तो वह लाल चंदन वाले छाप के स्थान को स्पर्श कर लीजिएगा। महादेव जी आपका जो अटका हुआ काम हो या जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, वो अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, यही था उपाय जो आपको करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।